गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 7, चांदनी। ये एक स्टोरी है अबू खान के बारे में। वो बेचारे बहुत अकेले रहते थे और वो अपने पास पैट रखते थे। पैट्स उनके गोट्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो गोट्स थे वो सब उनको छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि उन्हें रस्सी में बंधा हुआ रहना अच्छा नहीं लगता था। वो विलेज साइड, मतलब वो हिल साइड चले गए थे सब कोई, और वो बहुत अकेले पड़ गए थे। और उन्होंने अपना माइंड बना लिया था कि उनको अब कोई और पेट नहीं लेके आना, क्योंकि उनको कितने साल, मतलब कम से कम 2-3 साल और जीना है, वो अब नहीं लेके आएंगे। लेकिन उनका काम नहीं चलता था, वो बहुत अकेले हो जाते थे। तो फिर वो एक गोट को लेके आते हैं, छोटी सी गोट रहती है, उसका नाम रहता है चांदनी। और वो ये सोचते हैं कि मैं इसको अच्छा खाना दूंगा, अच्छे से रहने दूंगा, तो ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी हिल्स में। चलिए हम स्टोरी देखते हैं, लेसन नंबर 7, चांदनी, पेज नंबर 43। अबू खान गेट्स गोट एज पेट। आपको ये समरी दी रहती है स्टार्टिंग में। ही लव्ड हिज गोट बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। ही बॉट अ यंग प्रिटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी। देखिए, इसमें यही बताया गया है कि अबू खान पेट के तौर पे गोट्स को रखते थे अपने पास, और उन्हें गोट्स बहुत पसंद थी, लेकिन जो गोट्स थी उन्हें एक एक करके छोड़ के चली गई। ही बॉट अ यंग प्रिटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी। फिर वो एक दिन एक छोटी सी गोट लेके आते हैं, उसका नाम चांदनी रखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग मैन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। इसमें आपको एक स्टोरी बताई जा रही है कि एक समय की बात है, अल्मोड़ा जगह पे एक ओल्ड मैन रहते थे। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान। उनका नाम क्या था, सब कोई उनको अबू खान के नाम से बुलाते थे। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सपेक्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज कैप्ट एज पेट। वो बहुत अकेले रहते थे और उनके साथ बस कुछ गोट्स रहती थी एज अ पेट। ही गिव हिज गोट्स फनी नेम सच एज कालुआ, मुंगिया एंड गुजी। मतलब वो अपने गोट्स का बहुत फनी नेम्स दे रखे थे। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रेन। मतलब वो दिन के समय में, ग्रेजिंग का मतलब होता है घास खिलाने लेके जाना, तो वो अपने गोट्स को घास खिलाने लेके जाते थे और उनसे ऐसे बात करते थे जैसे कोई अपने बच्चों से बात करता है। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज हट एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट। और रात के समय में क्या करते थे, वो वापस अपने घर ले आते थे हट में, और उनके स्ट्रिंग का मतलब होता रोप, और उनके गले में एक रस्सी बांध देते थे जितनी गोट से सभी के गले में। पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट। लेकिन वो अपनी मतलब किस्मत के मतलब अनलकी थे। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। एक दिन की बात है, एक गोट अपनी रस्सी को खींचती रहती है और वो टूट जाती है। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और वो वहां से भाग के कहाँ चली जाती है, हिल्स की तरफ। गोट्स एंड हिली रीजन्स हेट बीन चाइंड टाइड टू थ्री ट्रीज ऑफ पोल। मतलब जो गोट्स हुआ करती थी जो हिली एरियाज में आती है, उन्हें रस्सी में बंधा रहना पसंद नहीं आता है। दे लव देयर फ्रीडम। उनको मतलब आज़ादी और फ्रीडम चाहिए रहती है। अबू खान गोट्स वर द बेस्ट हिल ब्रीड। मतलब जो उनकी जो गोट्स थी वो कहाँ की थी, सब हिल साइड की थी। उनको फ्रीडम पसंद था। ब्रीड का मतलब होता है स्पीशीज। They too loved their freedom. उन्हें अपनी freedom पसंद थी। So whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. मतलब उनको freedom में रहना पसंद था, उन्हें बंधा हुआ रहना पसंद नहीं था। तो जब भी उनको चांस मिलती थी तो वो वहां से रस्सी तोड़ के भाग जाती थी और हिल साइड भागती थी, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता था कि वहां पे एक wolf रहता है जो उनको मार देगा। Whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. मतलब उसके बाद जितनी गोट्स थी सब क्या हुआ, धीरे धीरे एक एक करके जाने लगी, गायब होने लगी, तो उसे बहुत दुख लगता था उस चीज के लिए। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he, मतलब उसको ये समझ में नहीं आता था कि वो इतना अच्छा खाना भी दे रहा है, ग्रासेस भी देता है, ग्रेन्स भी देता है, मतलब उसको हर मतलब उन लोगों को हर फैसिलिटी दे रहा था, तब भी वो यहाँ से क्यों भाग जा रही थी। ऑल द लव ही, नेक्स्ट पेज में आते हैं, ऑल द लव ही शावर्ड, पेज नंबर 44 ऑन देम। शावर्ड का मतलब होता है पोर, मतलब बरसाना, मतलब उतना प्यार देता था तब भी मतलब वो लोग भाग जाती थी। देखिए दिखाया गया कि ये वुल्फ रहता है, ये गोट्स को खा जाता है।
वुड नॉट स्टॉप दिस अनफॉर्चुनेट गोट्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इन टू द जॉस ऑफ डेथ. लेकिन वो फिर भी अपनी गोट्स को मतलब अनलक्की था कि रोक नहीं पाता था कि वहां ना जाओ, और वो मतलब ऐसे ऐसा लगता था कि वो खुद ही मौत के मुंह में जा रही हैं. आर दीज गोट्स मैड, ही वंडर. वो मन में सोचता था कि क्या ये गोट्स जो है सब पागल हैं क्या. और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या वो मतलब वो आजाद रहना पसंद करती हैं. बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल. लेकिन यहाँ पे फ्रीडम का मतलब क्या था, आज़ादी का मतलब स्ट्रगल था, लड़ाई थी, हार्डशिप मतलब डिफिकल्टी, इवन डेथ मतलब उनको फ्री रहना, तो उनको मतलब डेथ भी हो सकती थी, बहुत मेहनत भी, मतलब वुल्फ से लड़ाई करना, झगड़ना, बहुत जी मतलब फ्रीडम के बहुत स्ट्रगल था. अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री. जो अबू खान थे वो मिस्ट्री को सॉल्व ही नहीं कर पाए कि वो लोग यहाँ से क्यों भाग जाती हैं. वन डे वेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, एक दिन की बात है जब उसकी पूरी गोट्स छोड़ के सब चले गई, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन. अबू खान जो है वो अपने आप से बोलता है कि आज के बाद मैं कोई भी गोट्स खरीद के नहीं लाऊंगा. आई मे येट लिव फॉर फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विथआउट गोट्स. वो अपने आप से कहता है कि मुझे कितने साल रहना, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल रहना है, मैं अकेले रह जाऊंगा, लेकिन अब मैं गोट्स नहीं खरीद के लाऊंगा. However, the poor old man was terribly lonely. मतलब वो बेचारा पुअर था, गरीब था, लेकिन फिर भी बेचारा बहुत अकेला हो जाता था. He simply could not do without his pets. वो मतलब वो नहीं रह पा रहा था अपने pets, मतलब उसको कोई ना कोई चाहिए था. Very soon he bought a young goat. उन्होंने फिर जल्दी से एक छोटी सी goat खरीदी. He thought a young goat will stay with him much longer. उन्होंने ये सोचा कि जो young goat है ये मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहेगी. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. उनके माइंड में था कि जो गोट है मेरे खाना पसंद करेगी, मैं प्यार दूंगा तो मेरे साथ अटैच हो जाएगी, मतलब कहीं जाएगी नहीं. She will never want to go to the hills. वो कभी हिल्स में जाने की इच्छा नहीं करेगी. And he laugh with joy. मतलब मन में वो सोचता है और अपने मन में हंसने लग जाता है. The new goat was very pretty. जो नई गोट लाए थे वो बहुत सुंदर थी. She was white as snow. मतलब जैसे बर्फ दिखता सफ़ेद, वैसे वो सफ़ेद कलर की थी. And had two little horns on her little head. और उनके जो सर था उसमें मतलब जो गोट थी उसके सर पे दो सींग थी. A pair of 45 ग्लीमिंग रेड आइज. ग्लीमिंग का मतलब होता है शाइनिंग रेड आइज. देखिए जो थी कितनी सुंदर थी, वाइट कलर की इसकी आइज रेड दिख रही है. She had friendly temperament. Temperament का मतलब होता है mood, behavior. तो मतलब वो बहुत friendly nature की, बहुत मिलनसार थी. And would listen to Abu Khan's tales with lots of interest and affection. Tale का मतलब होता है story. Interest मतलब desire हो गया, और affection मतलब attachment. मतलब वो अबू खान की बातों को, जो भी अबू खान उसको बताते थे stories वगैरह, वो बहुत अच्छी से शांति से सुनती थी. अबू खान called her चांदनी. अबू खान ने उनको नाम दिया था चांदनी, विच मीन्स मून लाइट. चांदनी का मतलब होता है चांद की रोशनी. शी लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन. ए मतलब वो क्या करते थे, रोज चांदनी को अपने दोस्तों की कहानी सुनाते थे जो उनकी डेथ हो चुकी थी उनके बारे में. सेवरल ईयर पास, चांदनी वॉज स्टिल देयर. मतलब बहुत साल बीत गए, चांदनी तब भी उनके साथ थी. अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड. कंपाउंड का मतलब होता है प्रिमाइस या घर. मतलब उनका मानना यह था कि चांदनी इतने साल मेरे साथ रह गई तो वो कभी भी मेरे को छोड़ कर नहीं जाएगी आज़ादी के लिए, फ्रेश एयर के लिए जो हिल्स में मिलती है. अल्लास ही वॉज मिस्टेकन अगेन. लेकिन वो ये जो माइंड में सोचे वो उनकी गलती हो गई, ऐसा हुआ नहीं. चांदनी भी क्या करती है, भाग जाती है. चलिए हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट डे देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.